हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वी एनर्जेटिक। सो टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियोमीटर, इनिशियली स्ट्रक्चर ऑन वुडन बोर्ड, 10 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर एवी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक वुडन बोर्ड पर, जैसे सपोज कीजिए ये एक वुडन बोर्ड है जिस पर 10 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन कनेक्ट होता है। जैसे 1 मीटर के बाद एक पुली की हेल्प से रोटेट होते हुए ये 10 राउंड में इस तरह से वुडन बोर्ड पर ये कनेक्ट होगा। तो अब यहां पर जैसे हमने ये ले लिया, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दिस वायर इज मेड अप ऑफ अलॉयस ऑफ मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन एंड यूरेका। यानी ये जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है वो अलॉयस का है, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका। बिकॉज दिस अलॉयस रेजिस्टिविटी इज हायर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लो। यानी ये जो अलॉय होते हैं जैसे मैग्नीन, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट मिक्स होती है, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, इन अलॉयज की रेजिस्टिविटी हायर होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। इन पोटेंशियोमीटर टू सर्किट्स आर प्रेजेंट। किसी पोटेंशियोमीटर में टू सर्किट प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी सर्किट, नंबर 2 सेकेंडरी सर्किट। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ए बी, जो यहां पर एक यूनिफॉर्मली वायर रेजिस्टेंस वायर है, इस पोटेंशियोमीटर को हमने सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक लाइन कनेक्ट, एक लाइन ड्रॉ कर ली। सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट भी है। अब यहां पर टू सर्किट्स प्रेजेंट है। प्राइमरी सर्किट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी बैटरी, की और रियोस्टेट ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। यहां पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पोटेंशियोमीटर के 1.A से और नेगेटिव टर्मिनल को की से और की रियोस्टेट से कनेक्ट करके और रियोस्टेट को पोटेंशियोमीटर के लास्ट पॉइंट बी से कनेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी सर्किट में बैटरी कनेक्ट है इसलिए इसका सिंबल हमने ईपी ले लिया। वैसे ये बैटरी जो है वो लेड एक्यूमुलेटर सेल है। अब इन सेकेंडरी सर्किट जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है, बट प्राइमरी सर्किट, पोटेंशियोमीटर को हम किसी भी फॉर्म में यूज ले, पोटेंशियोमीटर की किसी भी एप्लीकेशन में हम पोटेंशियोमीटर को यूज लेंगे, लेकिन प्राइमरी सर्किट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, बट सेकेंडरी सर्किट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इनिशियली मैंने यहां पर एक सेकेंडरी जो है वो बैटरी यानी प्राइमरी सेल है सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए से और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहां पर ये सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट है तो हमने इसे ई एस सिंबल दे दिया। बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट इज कॉल्ड ड्राइवर बैटरी। यानी जो प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी ईपी है उसे हम जो है वो ड्राइवर बैटरी बोलेंगे और यहां से ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा जो है वो पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम थ्योरी की। इफ कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें कोई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, द जॉकी इज मूव्ड एंड टच द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द पोजीशन इज फाउंड वेयर गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। यानी ये जब हमने बैटरी और ये पूरा सर्किट प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्ट कर दिया
उस समय कांस्टेंट करंट फ्लो करते हुए जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर ए टू बी तक पर जगह जगह टच कराते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो। तो जब वो पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सपोज कीजिए कि हमारा वो पॉइंट पी जो है फाइंड आउट हो गया, ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है और इस समय ए से पी तक की जो लेंथ है उसे हम बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइडेड बाई एल। वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB is VAB. So potential gradient x is equals to VAB divided by L. So potential difference between AP yani AP BAP is equals to x into हमारी जो balancing length है वो small l है। Put the value of potential gradient small x. So BAP is equals to VAB divided by capital L into small l. Here capital L is 10 meter. This device to compare potential difference, it is also used to measure potential difference. यानी ये जो डिवाइस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कोई हमारा सेल है जैसे लैग्रांजी सेल है और उसका जो आइडियल कंडीशन है उसमें इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लैग्रांजी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जैसे टू प्राइमरी सेल हैं लैग्रांजी और डेनियल, तो उनके ईएमएफ की कंपेयरिंग भी हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाई स्मॉल एक्स, यानी पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर वायर पर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू वोल्टेज और ईएमएफ ई अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। हियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज और ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू आई आर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई आई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। हियर आर अपॉन एल इज इक्वल टू रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज इक्वल टू आई इंटू रो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द, यानी जो पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल इन प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट कनेक्ट है उसके ईएमएफ पर डिपेंड करता है। जनरली ईएमएफ स्मॉलर होना चाहिए तभी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर होगा और हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बेटर होगा।
तो जो जनरली प्राइमरी सर्किट में हम जो सेल और लेड एक्यूमुलेटर सेल यूज करते हैं उसका ईएमएफ 2 वोल्ट होता है एंड टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करता है। जनरली पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर होती है। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, नंबर ए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, लैग्रांजी सेल एंड डेनियल सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो यहां पर जो पोटेंशियोमीटर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्किट कनेक्ट होंगे। जैसा हमने बताया कि प्राइमरी सर्किट कॉमन है, इन प्राइमरी सर्किट लेड एक्यूमुलेटर सेल और बैटरी की एंड रियोस्टेट कनेक्ट इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर एबी, एंड इन सेकेंडरी सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ लैग्रांजी सेल E1 एंड डेनियल सेल E2 कनेक्ट टू पोटेंशियोमीटर पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू टू वे की पॉइंट्स X एंड Z, मिडिल पॉइंट ऑफ टू वे की कनेक्ट टू जॉकी विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें जिस किसी भी सेल और बैटरी को कनेक्ट करना होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के उसी पॉइंट से कनेक्ट होगा जिस पॉइंट से प्राइमरी सर्किट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो यहां पर ईपी प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट सेल है लेकिन ये नाम है इसका लेड एक्यूमुलेटर सेल। ईएमएफ ऑफ लैग्रांजी सेल E1 एंड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज E2। डेनियल सेल इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल बिकॉज ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज कॉन्स्टेंट, E2 इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट। वर्किंग, इनिशियली इंसर्ट टू वे की प्लग इन XY एंड लैग्रांजी सेल कनेक्ट इन सर्किट, देन विद द हेल्प ऑफ जॉकी फाइंड आउट नल पॉइंट एंड बैलेंसिंग लेंथ L1। तो वर्किंग, इफ लैग्रांजी सेल जिसका ईएमएफ E1 कनेक्ट इन सर्किट, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट X इज इक्वल टू E1 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ L1, सो E1 इज इक्वल टू XL1 इक्वेशन फर्स्ट। इनिशियली इंसर्ट XY टर्मिनल प्लग इज ऑन, सो लैग्रांजी सेल E1 कनेक्ट इन सर्किट विद द हेल्प ऑफ जॉकी फाइंड आउट नल पॉइंट एंड बैलेंसिंग लेंथ L1, हियर बैलेंसिंग लेंथ AJ इज इक्वल टू L1, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट X इज इक्वल टू E1 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ L1, सो E1 इज इक्वल टू XL1 इक्वेशन फर्स्ट। नाउ रिमूव द प्लग इन XY एंड प्लग ऑन इन YZ। इन दिस सिचुएशन डेनियल सेल कनेक्ट इन सर्किट अगेन विद द हेल्प ऑफ जॉकी फाइंड आउट नल पॉइंट J2 एंड बैलेंसिंग लेंथ L2।
So if Daniel cell EMF is E2, connect in circuit, then potential gradient X is equals to EMF E2 divided by balancing length L2. So E2 is equals to X L2, equation second. Dividing equation first by second, we get E1 upon E2 is equals to XL1 upon XL2. X A X cancel. So E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. यानी हमें कैलकुलेट करना था रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल लैग्रांजी एंड डेनियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. और ईएमएफ ऑफ लैग्रांजी सेल E1, लैग्रांजी सेल का ईएमएफ का सिंबल है E1, is equals to E2 को RHS में लेंगे E2 L1 upon L2. यानी जो लैग्रांजी सेल है उसका EMF वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हियर E2 EMF ऑफ डेनियल सेल, तो E2 is equals to 1.08 वोल्ट. सो EMF ऑफ लैग्रांजी सेल E1 is equals to 1.08 L1 upon L2, its unit is volt, because L1 upon L2 ratio or unit of E2 EMF of Daniel cell is also volt. So E1 is equals to 1.08 L1 upon L2.